कहाँ तक आवाज आई? पूरी वैली तक आवाज। फॉरेस्ट है लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, रोड चौड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम पर्यावरणवादी हैं, ये हम ये कर लेंगे, हम कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप यह देखिए, मैं आपको सीधे कंसेप्ट समझाता हूँ। आप देखिए जो ये सॉइल जो कटी है यहाँ से, जो रॉक से आपको अंदर जड़ें दिख रही है, ये सारी सॉइल जो सॉइल है ये जड़ों से बंधी हुई रहती है। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। अपने ब्लास्टिंग कर दी, ब्लास्टिंग से इसमें जगह जगह दरारें पड़ेंगी। रेनिंग सीजन आ चुकी, जुलाई आ चुकी ऑलमोस्ट, तो फिर यहाँ पे बरसात होगी तो सारा लैंडस्लाइड और होगा। ये तो कहीं ना कहीं एक जो साइकिल होती है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आने टाइम पे ये और जो है पेड़ नीचे आएंगे, जो जड़ खत्म हो चुकी है, बेस खत्म हो चुका है, तो ये इस एरिए की शुरुआत है लैंडस्लाइड की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को पूरा खराब करें। यहाँ का लोकल इकोसिस्टम इसको खराब करेंगे तो लोकल माइक्रो क्लाइमेट है वो खराब होगा, तो कहीं ना कहीं आगे ही सारा पूरा सिस्टम को इफेक्ट करेगा करेगा। अब यहाँ ब्लास्टिंग हुई, अगर यहाँ पे कोई हमारे जानवर होंगे, जो भी वाइल्ड लाइफ होगा, वो यहाँ से माइग्रेट करेंगे। जब जानवर माइग्रेट करेंगे जो लोकल विलेजर है उनके लिए कोई रिस्क होगा नहीं। ब्रॉड ट्री की बात कर रहे हैं, ये हमको फॉरेस्ट टाइम यहाँ पे। ओहो, कहाँ तक आवाज आई? पूरी वैली तक आवाज। अभी थोड़े पहले आपको मैं वीडियो में बताया था कि सबसे इस साउंड हमारे जानवरों के यहाँ से पूरा यहाँ से बढ़ा देंगे। साउंड नॉइस पोल्यूशन भी हुआ है और हमारे जो पूरे ये स्ट्रक्चर्स पे क्रैक्स भी पड़े होंगे, जिससे बरसात में लैंडस्लाइड भी होंगे। भूकंप के लिए भी फिर ये भूकंप जोन 5 में तो और दिक्कत आएंगी इन फ्यूचर।